Namaskar and welcome to Metro TV. Now time for entertainment news. के किंग खान और बाजीराव सिंह पहली बार एक साथ फिल्म में आएंगे नजर। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और वरुण धवन की जोड़ी बनने के बाद अब शाहरुख और रणवीर सिंह की जोड़ी भी बनने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य चोपड़ा के ये दोनों फेवरेट एक्टर्स उनकी अगली प्रोडक्शन बेंचों में नजर आएंगे। रणवीर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत यशराज फिल्म्स में की थी और हाल ही में उन्होंने आदित्य के डायरेक्शन में बनी फिल्म बेफिक्र की शूटिंग पूरी की है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म को सुमित अमन डायरेक्ट करेंगे। साल की शुरुआत में जब रणवीर से इस फिल्म के बारे में पूछा गया तब रणवीर ने इस पर कुछ कमेंट नहीं किया था। हालांकि बाद में रणवीर ने कहा कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि मैं किस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। अभी के लिए मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं बेफिक्र में काम कर रहा हूँ। अभी रणवीर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती भी साइन की है। इसमें रणवीर के साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी और अगर किंग खान की बात करें तो शाहरुख के पास भी फिल्मों की लंबी लाइन है, लेकिन इस जोड़ी के साथ दिखने की खबरों ने दोनों हीरो के फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। वेल, इनके फैंस के साथ आपको स्क्रीन शेयर करते हुए हमें भी इंतजार रहेगा। बॉलीवुड की खान फैमिली में डिवोर्स होने की खबरों का सिलसिला चल रहा है। कभी सल्लू की बहन का तो कभी भाई अरबाज और आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा खान का, लेकिन क्या है सच, अरबाज खान ने खुद बताया। इंडस्ट्री में अरबाज मलाइका के तलाक की खबर का सच हर कोई जानना चाहता है। कुछ दिन पहले इस कपल के अनबन के बाद तलाक लेने की चर्चा की खबरें आई थी, जिसमें लिखा गया था कि मलाइका अरोड़ा अपने बेटे अरहान संग अरबाज का घर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन इस खबर के बारे में अरबाज ने करारा जवाब देते हुए कहा कि ये तो बिना आग के उड़ने वाले धुएं जैसा है। सोशल मीडिया पर अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के तलाक की खूब चर्चा हो रही है। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान साल 1988 में शादी के बंधन में बंधे थे। मलाइका और अरबाज इन दिनों टीवी शो पावर कपल को होस्ट कर रहे हैं। शो में मलाइका की गैर मौजूदगी के बाद ही उनकी अरबाज संग अनबन की चर्चा होने लगी है, जो कि तलाक की खबरों तक पहुंच गई। हालांकि मलाइका ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि उनके और अरबाज के बीच कोई मतभेद नहीं है और शो में वह इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि उन्हें इस शो में केवल स्पेशल एपिसोड के लिए ही साइन किया गया है, जिसके चलते वे शो के स्पेशल एपिसोड में ही अरबाज संग नजर आएंगी। वेल, होप कि आप दोनों का डिवोर्स ना हो, आपके फैन भी यही चाहते हैं। बॉलीवुड में सर्किट के तौर पर अपनी दमदार पहचान बनाने वाले अरशद वारसी अब जल्द ही निर्देशक बनने जा रहे हैं। जी हाँ, अरशद ने ऐसा खुद कहा है। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने कहा है कि वो जल्द ही फिल्मों का निर्देशन करेंगे और उनके निर्देशन में बनी फिल्में निश्चित तौर पर बोरिंग नहीं होगी। फेमस फिल्मों मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई में सर्किट का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले अरशद वारसी से जब ये पूछा गया कि वो फिल्मों का निर्देशन कब करेंगे तो उन्होंने कहा कि बेहद जल्द ही मेरी फिल्म शुरू होगी, मैंने कुछ फिल्मों की कहानी लिखी है। अरशद ने कहा कि मेरे पास एक मारधाड़ की फिल्म है और एक इमोशनली कॉमेडी सरी की फिल्म है। साथ ही एक्टर अरशद ने कहा कि मेरी फिल्म बोरिंग नहीं होगी, मुझे कॉमेडी की समझ है। जब आप मेरी मारधाड़ वाली फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलोगे तो भी आपको महसूस होगा कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अरशद फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा के प्रमोशन में बिजी है। बॉलीवुड के पुराने स्टाइल में बारिश में रोमांस करते नजर आएंगे रणबीर कपूर और सुल्तान एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, लेकिन कौन सी फिल्म में बारिश में भीगेंगे ये दोनों स्टार्स, हैव अ लुक।
बॉलीवुड के रॉक स्टार रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा बारिश में रोमांस करते नजर आएंगे। बारिश में रोमांस करना बॉलीवुड फिल्मों का पुराना लेकिन सुपरहिट चलन है। चर्चा है कि फिल्म ए दिल मुश्किल में अनुष्का और रणबीर के बीच एक रोमांटिक गाना होगा जिसे बारिश में फिल्माया जाएगा। इस गाने में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आने वाली है। करण अपनी फिल्मों में रोमांस को शानदार तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं। रणबीर और अनुष्का इससे पहले फिल्म बॉम्बे वेलवेट में साथ काम कर चुके हैं। फिल्म में रणबीर, अनुष्का और फवाद के अलावा एक्ट्रेस ऐश्वर्या बच्चन, एक्टर इमरान अब्बास भी हैं। ये फिल्म 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज की जाएगी। करण 4 साल के बाद किसी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म और अजय देवगन की शिवाय की भिड़त हो सकती है। वेल, देखते हैं कि इस फिल्म में रणबीर और अनुष्का का रोमांस कितना सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी, एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी। फिलहाल एंटरटेनमेंट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए भी वेट मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।